लेडीज़ एंड जेंटलमैन वालेकुम मेरा ताल्लुक सरा थर से और मेरा गांव जो है वो इंडियन बॉर्डर के करीब पाँच छः किलोमीटर पे है। और उस गांव में अभी भी रोड इलेक्ट्रिसिटी uh, जो ग्रिड कनेक्टेड है वो या हॉस्पिटल या मीठे पानी की लाइन अभी तक नहीं है uh, बताना मैं इसलिए चाह रहा हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड कि मैं कहाँ से हूँ और पाँचवीं तक प्राइमरी स्कूल में अपने गांव में पढ़ा छी में 86 में मैं जो है उमरकोट में आया और उस वक्त थर में कहता और मेरी ज़िंदगी वहाँ में गुजरी थी जब थोड़ी बहुत अर्बन लाइफ यहाँ तो माशाल्लाह बहुत तब्दील है लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आया तब सोचने लगा जहन में सवाल आने लगे कि तीन सौ साढ़े तीन सौ गहराई में कुएँ से पानी निकालना फिर जो मेरी माँ और दादी मटके भर के सर पे घर ले आती थी या किसी का इलाज न होने की वजह से डिलीवरी में खातन कहीं फोद की होना वो लगता था कि ये किस्मत नहीं है ये कहीं और गड़बड़ है और फिर एक मैं पहला वो लड़का था जो गांव से शहर पढ़ने आया था फिर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा तो घर वालों की और मोहल्ले वालों की गाँव वाले की भी ख्वाहिश थी कि कुछ हमारे लिए होगा ये अलग बात है उनकी बहुत ख्वाहिशें थी ज़्यादा तो नहीं पूरी हुई हैं और मेरी भी ख्वाहिशें थी और मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन हम जिस मुआरे में उसमें तो सारे फैसले वालदे ने करने होते हैं तो जब मैंने मैट्रिक पास किया मैंने प्री मेडिकल में एडमिशन लिया तो मेरे वालद साहब का ख्याल था नहीं मुझे इंजीनियर बनना चाहिए और वो प्रिंसिपल से मिले मेरा जो है वो ग्रुप चेंज करा दिया इंटरमीडिएट हुआ हैदराबाद आया मैरान यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तीन साल मैंने वहाँ पढ़ा लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं पढ़ के भी अपने गांव के लिए वो जो मसाइल हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तो मेरे इस पढ़ने का या बेनिफिट क्या होगा मेरी ज़ात को तो हो जाए शायद लेकिन बाकी इलाके के नहीं होगा तो फिर मैंने फैसला किया अपने तौर पर और उस वक्त तो थोड़ी दुनिया देखी थी तो वालदेन की नाराज़गी भी ली और मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी उस दौरान मैं मीडिया में चला गया और जहन में ये ख्याल था कि मीडिया ज्वाइन करूंगा, अपने इलाके के इश्यूज़ को लिखूंगा, वो हाईलाइट होंगे तो अच्छा ही होगी लेकिन तकरीबन तीन साल वहाँ रीजनल न्यूज़पेपर्स में वहाँ काम करते हुए ये भी बात सामने आई कि नहीं दिल्ली दूरस्थ तो किसी दोस्त के थ्रू मुख्तलफ मतलब चीज़ें पढ़ने को मिली बुक्स मिले बहरहाल मुख्तसर मैं बात करता हूँ कि मैंने एम ए सोशलॉजी किया और फिर सोशल डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ़ आया तकरीबन अभी 14-15 साल हो गए सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में लोकल तंजीमों में काम किया फिर नेशनल फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट सेक्टर में भी थोड़ा अरसा काम किया और मेरी जो लास्ट जॉब थी वो इस्लामाबाद में थी और अक्सर हमारे जैसे इलाक़ों में लोग समझते हैं कि इस्लामाबाद में जो बड़े शहरों में बड़े उहदों पर लोग हैं तो वहाँ जाके शायद ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है ये मुझे भी खुशवहमी थी लेकिन मैं जल्द ही वापस लौटा और अभी थर में हूँ नवंबर 2009 से। थर से कर का जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थर का वो आपको देता चलूँ कि उन्नीस स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ सराई इलाका है यहाँ जहाँ सिर्फ सैंड है चीकी मट्टी या प्लेन लैंड नहीं है कोई दरिया नहर नहीं है सिर्फ बारिश के पानी पर आबादी होती है और माल मवेशी जो है वो लोगों का सबसे ज़्यादा गुजरान का जो ज़रिया है गुज़र सफ़र का वो माल मवेशी है और पाकिस्तान में आप डिस्ट्रिक्ट वाइज़ देखें तो सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक हेड्स जो हैं वो थरपारकर में और वो हैं अभी इस वक्त सिक्स मिलियन तो इस तरह से जो है वो मिला का मुख्तर वो है लेकिन काफ़ी दोस्तों के जहन में ये होता है कि थर जो है वो बैरन है बयाबान है वहाँ कुछ नहीं है ऐसे नहीं है वहाँ लोग भी बसते हैं जानवर भी हैं सेटलमेंट्स भी हैं उसका एक डिफरेंट कल्चर है ज़बान है और चीज़ें हैं और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि वहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स भी हैं मिनरल रिसोर्स जिसमें ग्रेनाइट है चाइना के लिए है और आपका कोल है जो वन सेवेंटी फाइव बिलियन टन्स है, लेकिन आपने मीडिया में या डिसीशन मेकर के एजेंडा पे ये ज़रूर देखा हो, होगा कि आज वर्ल्ड बैंक आज एशियन डेवलपमेंट बैंक आज फला फला जो है वो थर के कोयले के लिए फ़ैसला हो रहा है उसके लिए प्लानिंग हो रही है उसके लिए वर्कशॉप हो रहा है लेकिन वहाँ के लोगों के लिए कम बात होती है वहाँ का जो फ्रीक्वेंट इशू है क्योंकि मैंने जैसे बताया के रेंट डिपेंडेंट एरिया है और हमारी काश्त भी उसी के ऊपर होती है और माल मवेशी तो ड्राउट्स जो आते हैं उसकी वजह से मसाइल ज़्यादा बिगड़ते हैं उसकी इश्यूज की इंटेंसिटी बढ़ती है उसके और जो है नए नए नुकसान सामने आते हैं ये वो मुख्तसर कहानी है जो रिकॉर्डेड है कि कब कब ड्राउट आते रहें तो आप देखेंगे तो ये मिड एटीज़ के अवैध फ्रीक्वेंसी जो है वो बड़ी है उसका एक सबक क्लाइमेट चेंज भी है जो आप सब जानते हैं कि हमारे बस में नहीं है लेकिन जो बस में है वो हमारी स्टेट हमारी हुकूमत उनके बस में होता है कि उसके अल्टरनेट्स का बंदोबस्त करे या लोगों के लिए बेसिक एम्यूनिटीज़ दे लेकिन बदकस्मती ये कि वो चीज़ें हुई नहीं हैं या कम हुई हैं और उसके न, नतीजे में पहले जानवर मर रहे थे मोर मर रहे थे अब जब इंसान मरने लगे तब जाके मीडिया की मदद से कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई जो मेरी ख्वाहिश थी या मेरे एक तड़प थी या कुछ ख्वाब थे और वो ख्वाब देखते थे कुछ लोग उनकी मदद से मटेरियलाइज हुए हैं कुछ अभी होने हैं। तो जैसे मैंने बताया पानी का तो थर के अंदर पानी के तीन मुख्तलफ पहलू हैं पहला तो है पानी की मौजूदगी दूसरा उस तक एक्सेस पहुँच उसकी अवेलेबिलिटी फिर जो है उसकी क्वालिटी का इशू है ज़मीन पानी जो है थर में वो वाद ज़रिया है बारिशों के सिवा और जब बारिश पड़ती तब भी अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और फिर वहाँ से 20 फीट से लेके साढ़े तीन सौ फिट गहरे कुओं से लोग निकाल के पीते और उस कड़े पानी को जिसमें 50 परसेंट जो पानी है उसे 5000 से ज़्यादा टी का पानी है जो लोग पीते हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत वो प्रूव्ड जैर से पानी में फ्लोराइड सिर्फ थर में है और उसका जो सोर्स है वो ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट का जो स्टोन है उसको लेने के लिए लोगों में तैयार है लेकिन उसके जो अफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से लोग भुगत रहे हैं वो उनके एजेंडा पर नहीं हैं तो ये आप देख रहे हैं कि बच्चे हैं नीचे जो हैं थोड़ी बड़े उम्र के लोग हैं तो ये फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है और हड्डियाँ मुड़ना शुरू हो जाती हैं जोड़ काम नहीं करते और फिर इस तरह से एक पूरा साइकिल चलता है और लोग जो है आप देखेंगे इनके गले में तावीज़ बांधे हुए हैं और वो धागे बांधे हुए फिर लोग हॉस्पिटल हाँ कम है तो पिरू मुर्शिद की दरगाह पे और इस पे जाते हैं और अक्सर लोगों का ये भी होता है कहीं कहीं कि हमारे किसी मुर्शिद की किसी बड़े की बदुवा है तो हम जो है बदवा से भुगत रहे हैं लेकिन ये हमने रिसर्च की कि बदवा से नहीं लेकिन ये फ्लोरोस की वजह से है नेक्स्ट ये राइट साइड पर जो पिक्चर है ये गाँव का जो बंदा जिसके धागा बांधा हुआ ये आखिरी स्टेज होती है जब इंसान की बॉडी मूव नहीं कर पाती ल फिर नहीं सकता सिर्फ मुंह और आँखें काम करें तो बड़ी बात है तो ये ऐसे ये बंदा जो अट्ठारह साल ऐसे पड़ा रहा और उसके जो लेफ्ट साइड पे हैं ये नाजी कैंप्स के वो कैदी हैं जिनको फ्लोराइड पानी में पिला के मिला के पिलाया गया था ताकि वो लड़ ना सकें वो सोच ना सकें वो बगावत ना करें वो रजिस्ट ना करें तो वो देखें कि वो हमारा क्वेश्चन ये होता है कि वो नाजी कैंप्स के कैदी थे हम किसके कैदी हैं हमने रिसर्च की बुनियाद पे कोशिश की कि इस इशू का हल निकालने की कोशिश करें हमने ये तजर्बे से सीखा है कि इश्यूज़ प्रॉब्लम्स जहाँ होते हैं उनके सॉल्यूशंस भी मौजूद होते हैं उसके इर्द गिर्द लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए उसका सॉल्यूशन ढूँढने के लिए उसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ आपको कास्ट बियर करनी होती है और वो काश लाजमी नहीं है कि कैश पैसे की सूरत में हो वो आपको विल विश चाहिए कहीं हो सकता है रात को जागना पड़े हो सकता है कहीं मुसफ़त करनी पड़े हो सकता है किसी को मिनत समित करनी पड़े हो सकता है किसी से कंसल्ट करना पड़े बरहल उसकी कई शक्लें हो सकती हैं हो सकता है और कुछ ना करना सिर्फ इंसार करना पड़े कि वक्त उसको ठीक कर दे बरहाल हमने ये कोशिश की कुछ दोस्तों से साथ मिल कि ये रिवर्स आसमोसिस प्लान लगाएँ तजर्बाई तौर पर जो कास्ट इफेक्टिव हैं इस पर हमें अवार्ड मिला है जो गवर्नमेंट लगा था उससे कई गुना और गवर्नमेंट से पहले हमने इंट्रोड्यूस कराया था दूसरा जो इश्यू था एक्सेस का मैंने जैसे बताया कि साढ़े तीन सौ फिट गहरे कुओं से पानी निकालना जो हमने रिसर्च की है एक घर के तीन अफराद जिसमें एक औरत जिसने सर पर मटके बरके ले आने एक वो बच्चा या बूढ़ा जो जिसने जानवर हाँकना है और एक हेल्दी बंदा चाहिए जो बकेट पकड़े जो कुएं से ऊपर पकेट आती है तो वो वज़नी भी होती है और कुएं के मुंह पे खड़ा होना नॉट इन ईजी जॉब क्योंकि उससे कमज़ोर बंदा जो अंदर गिर भी सकता है तो तीन बंदों के एट एंड एवरेज जो हमारी रिसर्च है वो कहती है तीन से पाँच घंटे लगते हैं डेली पीने का पानी प्लस जानवरों के लिए तो उसके लिए जो इसमें विंड पोटेंशल थर के लोग मतलब थर आने से लोग गर्मियों में इसलिए घबराते हैं कि वहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ हवा तेज़ लगती है और रेत उड़ती है तो लोग कम आते हैं लेकिन हमने कोशिश की और मुख्त तजुर्बा सीखा जैसे भाई ने बताया ठा का वो तो हाई विंड स्पीड कॉरिडोर है लेकिन यहाँ भी अच्छा पोटेंशियल उस पर पहले हम रिसर्च की पेपर प्रेजेंट हुआ फिर प्रैक्टिकली जो है वो ये विंड मिल्स लगाईं और उससे न सिर्फ पीने का पानी लेकिन वहाँ जो है वो काश्त भी कराई किचन गार्डनिंग और फाडर फॉर एनिमल्स के जे अगर काश्त भी मतलब आई मीन तो भी पड़े बड़ी पैमाने पर पे काश्त नहीं कर सकते तो कम अज़ कम वो सब्जियाँ उगाएं अपने लिए और जानवरों के लिए घास कुछ हो सके फिर पीने के पानी का ये मसला कि अंडरग्राउंड बाहर आए विंड मिल से विंड, विंड की अपनी वो वालासिटी है अवेलेबिलिटी है आ, लेकिन उसके साथ साथ ये कि लोगों को पहुँचे फिर उसकी कंजर्वेशन उसकी बेटर यूटिलाइजेशन उसके ऊपर चेक रखना ये भी बड़ा मसला है और थर वो शायद पाकिस्तान का वाहिद लाइक है जो आप घरों में जाएंगे तो जिस पेटी में जेवर होंगे उसको ताला नहीं होगा तो हो सकता है पानी का जो टैंक होगा उस पर ताला होगा इस इतना वो पीसीस है हमारे लिए पानी तो हमने ये एक मख्तल दोस्तों से मिल के ये किया है कि वाटर मीटर इंट्रोड्यूस कराएं जो मत ऊपर जो है राइट साइड पर आप देख रहे हैं वाटर मीटर लगे हुए हैं तो उससे क्या होता है कि थोड़े बहुत चार्जेस भी होते हैं जो कम्युनिटी खुद इकट्ठा करती है अपने लिए करती है उस चीज़ को मैनेज करते हैं और फिर सोलर पंप लगाएं ताकि राउंड द ईयर पानी मिलता रहे और नीचे जिसकी पिक्चर है ये सोलर पीवी पैनल्स प्रमोट किए और उस पर लोगों ने अपने ही घरों में ये इसी कैद की जो अभी कैद चल रहा है इसी साल की ये तस्वीरें है जिसमें भिंडी और टमाटर उन्होंने अपने घर में उगाएँ तो ये जो है लोग अपने लिए मतलब मॉडल बनाया है और हम कोई हुकूमत नहीं है हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है तो हम मॉडल बना के उसके ऊपर हम एडवोकेसी करते हैं पानी के हवाले से 2011 में थरपारकर के साथ उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से लो लाइंग एरिया है तो लोग डूब गए थे और जैर जमीन पानी जो है वो कड़वा है तो लोगों के पास मतलब ऑप्शन नहीं था वही जो फ्लड का पानी था जो जानवर मर चुके थे जो घर गिरे थे जिसमें काफ़ी सारी कंटामिनेशन थी तो लोग मजबूर थे वो पानी पिए हमने उसमें यह कोशिश की कि उसी पानी को आ, आ, प्रोसेस किया प्योरीफाई किया मोबाइल वाटर प्यिशन प्योरीफिकेशन प्लांट इंट्रोड्यूस कराए और उसको 6,000 फैमिलीज़ को पाँच छः महीने तक हमने जो है वो सर्व किया और वो इनोवेटिव थोड़ा इस तरह से भी था कि मोबाइल था तो एक फिल्टर प्लांट से ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ और फिर उसको हमने डॉक्यूमेंट किया और सिक्स वर्ल्ड वाटर फोरम जो फ्रांस में हुआ था ये राइट पे वो तस्वीर है जिसमें हमने वो मॉडल भी रखा हुआ है ये हमने वहाँ प्रेजेंट किया और इसी के फिर उसमें यूएसए भी हम गए और उस वहाँ भी एक प्रेजेंटेशन दी दूसरा ये कि थर में गर्मी बहुत होती है सन डायरेक्ट है बहुत ज़्यादा जो है वो दिन गर्म होते हैं तो सोलर की एनर्जी है तो उसको हारवेस्ट करने के लिए ये जो पहली पिक्चर है लेफ्ट साइड भी इसमें पैनल दिखाई दे रहे हैं तो ये स्कूल के लिए है। और स्कूल भी आ, कास्ट इफेक्टिव हमने बनाए सिर्फ एडवोकेट करने के लिए गवर्नमेंट को दिखाने के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल बनाती है वहाँ थर में क्योंकि थर में मटेरियल ले जाना कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए वो बड़ा कास्टली है तो पाँच गुना कम कास्ट में ये स्कूल बनाए जिसमें सोलर सिस्टम लगा हुआ है उसमें पंखे भी हैं कंप्यूटर भी है और जितने बच्चे हैं उतनी उनको लाइट्स दी गई हैं रिचार्जेबल बच्चे सुबह स्कूल आते हैं लाइट्स चार्ज पर लगाते हैं क्लास अटेंड करते हैं जब घर जाते हैं तो वो लाइट घर ले जाते हैं घरों में उनको रोशनी मिलती है जैसे वो एक बच्ची घर में पढ़ रही है तो वो उनके घरों में भी रोशनी आई है सोलर सिस्टम जो है उनको हमने बाकी कुछ लाइवली हुड ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया है जिसमें जो एम्ब्रॉयडरी है थर की उसके हवाले से तो एक ऊपर फैमिली की आप देख रहे हैं इस तरह के काफ़ी सारे लग चुके हैं तो उसमें यह है कि वो अपने घर में जब रात को टाइम है एनवायरनमेंट uh, भी बेहतर है तो रोशनी हो तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि करीब में कहीं भी ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है uh, तो वो उनको दिए गए जो टी बी एस हैं जो हमारे पास तो डॉक्टर या मतलब गाइनाकोलॉजिस्ट वगैरह वहाँ तो नहीं है आ, बहुत कम है तो टी के पास लोग आते हैं रात को आते हैं तो उनके पास रोशनी का बंदोबस्त नहीं है तो उनको भी दिए गए और आजकल कल टेलिनार वहाँ आया थर में तो वो मोबाइल भी उनका चार्ज होता है तो इजी होता है उनको रबता करना इस तरह से डिसेबल पर्सन है मतलब वहाँ बहुत कम है लेकिन अभी ये कैद और मुसलसल इन चीज़ों से ये हो गया है वरना वहाँ के लोग भीख नहीं मांगते थे किसी से मांगना ऐब समझते थे तो हमने ये कोशिश की कि जो डिसेबल पर्सन हैं उनको सोलर सिस्टम दिए और जो टेलिनार आया था तो हर एक के पास मोबाइल चार्ज करने की फैसिलिटी नहीं थी तो डिसेबल पर्सन है घर में उसने चार्जिंग सिस्टम और इर्द गिर्द के मोबाइल आए तो दस रुपये फी बैटरी के हिसाब से तो अगर पाँच छः भी मिलें तो पचास साठ रुपये उसको घर बैठे मिल जाते हैं तो उसके लिए किया है फिर इस तरह से मसाजिद के लिए स्कूलों के लिए देर आर सो मेरी थिंग्स लेकिन जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ तो ये वो बातें थी जो इश्यूज थे उनको हल करने के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल कायम किए उसके ऊपर एडवोकेसी की टाइम कम है मैं मुख्तर करता हूँ लेकिन कुछ ऐसे इशूज़ होते हैं जो जाहिर लगता है कि ये सोशल इशू है ज़ाहरी लगता है ये हेल्थ का इशू है जाहिर लगता है कि ये इकनॉमिक है लेकिन उसके पीछे उसके बेसिस उसमें कुछ और चीज़ें पेना होती हैं जिनको देखने की ज़रूरत होती है और वो जो रूट काज होते हैं उनको हिट करने के लिए उसको डी करने के लिए उसको चैलेंज करने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है कुछ स्टमना चाहिए कुछ अनर्जी चाहिए कुछ लोग चाहिए एक प्रोसेस चाहिए क्योंकि एक्टिविटी करना आसान है और प्रोसेस और चीज़ें करना थोड़ी मुश्किल है ये एक तस्वीर में एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ जो राइट साइड पे है ये खातूँ हैं उस वक्त ये छः बच्चों की बात माँ थी और उसको उनके जो मौलवी थे उसको बताया था कि इसको जिन है घरों में रखोगे तो सब क्या जिन लग जाएगा तो गाँव से दूर एक दरख के नीचे ये बांधी गई थी और वो जंजीर जो ऊँट को लगाते हैं तो उसके कमर में इसलिए लगाई कि हाथ और पाँव उसके पतले थे तो उससे निकल जाती तो उसने कमर में लगाई जिसके जख्म भी आप देख रहे हैं तो खैर आपने उन फैमिली से बात की और एक लंबा चौड़ा किस्सा चल रहा फिर एक डॉक्टर साहब थे अल्लाह उनको खुश रखे उन्होंने हमारी सपोर्ट की उन्होंने कहा कि ये कोई जिन भूत नहीं है इसका इलाज होगा तो ठीक हो जाएंगी फिर जो आप लेफ्ट साइड पर उसकी दो तस्वीर देखें वही खातूँ हैं जो आ, उसका इलाज हुआ दस महीने के अंदर वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है तो वो ख़ुद एक एग्ज़ाम्पल जो सेट हुआ कि नहीं जिन बूत सिर्फ नहीं है ये मेडिकल के भी इश्यूज़ ऐसे होते हैं और उनको ठीक करने से बाकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं नेक्स्ट फिर ये एक और केस है जिसमें नीडल्स हैं 144 फोर्टी फोर एक औरत को क्लेम ये था कि ये आसमान से गिरती हैं फिर जिन लगाते हैं फला फल्हाँ वाट एवर लेकिन मेडिकली प्रूव हुआ कि नहीं ये खुद इसको लगाती है ये सेकटरी केस था नेक्स्ट मुझे क्योंकि वो बताया गया टाइम बहुत कम है मुख्तर बात ये मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें वो टाइम की कमी वजह से नहीं कर सकता जहाँ मसाइल होते हैं वहाँ उनका हल भी मौजूद होता है लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि उसके लिए काम करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती जो सब्र चाहिए जो एनर्जी चाहिए जो टाइम चाहिए उस पर काम करने के लिए फिर रिसर्च जो है वो सबसे बहुत बेस्ट है और ये हम आज यूनिवर्सिटी में खड़े हैं इनका तो काम भी यही है तो जब रिसर्च होती है तो डेटा फैक्ट्स फिगर इशू की इंट्रेंसेट्री उसके दाएं बाएं सब चीज़ें आ जाती हैं फिर आपको इजी होता है एक्ट करने के लिए इस तरह से लोग जो देखते हैं जो करते हैं उससे ज़्यादा सीखते हैं वो ज़्यादा पुख्ता होती है सवाए बात मतलब बेनस्बत बातों करने बातें करने के तो इसलिए जो आखिरी मेरा पॉइंट है वो ये है कि दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है आराम से कोई नहीं होती जैसे मैंने पहले भी बताया था दोबारा रिपीट करता हूँ हर एक काम के लिए पे करना पड़ता है मिसाल के तौर पर मैंने अपनी अगली नस्ल के लिए करना मुझे अभी से पे करना पड़ेगा तो हो सकता है कम पे करना पड़े उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा आप मैं, मैं आज कुछ यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे दादा ने जो दो अल्फाज पढ़े थे वो काम आ रहे हैं तो ये एक पूरा सिलसिला है आप करें नहीं कर सकते तो दूसरे के लिए रास्ता हमवार कर दें कोई एग्ज़ाम्पल सेट कर लें कोई बेहतर काम कर लें वो ख़ुद रोटेट होगा बेहतरी आएगी और मुश्किल कम होंगी इलाम इकबाल साहब ने कहा था ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज़ एसा की तो हमारे मुल्क में भी लोग मौजूद हैं उनके साथ हाथ में हाथ मिलाएं तो ये मुश्किल कम हो सकती हैं मेरा ये यकीन है आपकी बड़ी मेहरबानी